अगर ये चीज आरपीएससी में भी अप्लाई होती है तो इनके भी पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है, लॉ में भी आई है, वैसे बहुत सारी वैकेंसी आई थी उसमें, तो उसका पेपर कब होगा वो भी पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। और जेएलओ में एक नया रूल ऑफिशियली हो चुका है, वो पेपर में अप्लाई होगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। जेलो एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि जेलो का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, रीजन बताया था, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उन्होंने भी पेपर पोस्टपोन किए हैं और 2024 में शिफ्ट किए हैं। उसमें मैंने रीजन दिया था अगर ये चीज आरपीएससी में भी अप्लाई होती है तो इनके भी पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं, तो उन सब चीजों को कवर करूंगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है, लॉ में भी आई है, वैसे बहुत सारी वैकेंसी आई थी उसमें, तो उसका पेपर कब होगा वो भी पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा इस वीडियो में वो भी टॉपिक कवर करूंगा। और जेएलओ में एक नया रूल ऑफिशियली हो चुका है, वो पेपर में अप्लाई होगा, तो उस चीज को भी कवर करूंगा। जो 5 वाला ऑप्शन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था, अगर किसी ने मेरा कम्युनिटी टैब देखा होगा मैंने शेयर कर दिया था, तो मैं सोचा वीडियो बना रहा हूँ तो उस चीज को भी कवर कर दूं, तो इन सारी चीजों को कवर करूंगा। तो चैनल मतलब वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा फिर आप लोगों का ही नुकसान है। बहुत सारी चीजों के आंसर वीडियो में ही होते हैं, फिर आप कमेंट करते हो, फिर मैं उसका रिप्लाई करना बंद कर रहा हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि आप वीडियो ढंग से देखते ही नहीं हो। वीडियो अगर ढंग से देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पोस्टपोन होगी क्या। देखो, उसकी वैकेंसी गारंटेड पोस्टपोन होगी। गारंटेड मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिशियली नहीं है, 100% नहीं है, बट 99% वैकेंसी पोस्टपोन होगी, क्योंकि उसके वैकेंसी पेपर करवाने में 15 से 17 दिन लगते हैं और इलेक्शन का टाइम है, इतनी फोर्स आरपीएससी को मिलना मुश्किल होगा 15 से 17 दिन पेपर कराने में, मतलब। तो वो मान के चलो वो दो इलेक्शन के बाद ही जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, 99% वो वैकेंसी इलेक्शन के बाद ही होगी, तो आप लोगों के पास टाइम है। बाकी अक्टूबर में उसका था एग्जाम होना, अभी तक तो कोई डेट आई नहीं है, अगर आई हो तो आप बताना मुझे, कमेंट करना, अभी तक कोई डेट नहीं आई। और किसी का न्यूज भी हो तो भी कमेंट कर देना, कि अगर किसी का ऑफिशियल न्यूज हो, कोई किसी का सोर्स हो, पर जितना मुझे पता चला है वो वैकेंसी नहीं होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इलेक्शन के बाद ही जाएगी, क्योंकि उसके उसमें टाइम बहुत लगता है। अब बात आती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर क्यों पोस्टपोन हुए थे। वो पेपर इसलिए पोस्टपोन हुए थे क्योंकि उन्होंने फोर्स मांगी थी, पुलिस वालों से मांगा था, पेपर कराने में फोर्स लगती है, बट पुलिस वालों ने ये बोला, ऑफिसर पुलिस वालों जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटी होती है, उन्होंने ये बोला कि हमारे इलेक्शन है स्टेट में, हम इतनी फोर्स नहीं दे सकते, हमारी ड्यूटी भी लगेगी, हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है, इस कारण से उन्होंने पेपर पोस्टपोन किए। अब बात आती है ये सारी चीज आरपीएससी से भी अप्लाई होती है, मैंने उस वीडियो में यही बोला था कि ये सारी चीज आरपीएससी से भी अप्लाई होती है। अगर उनको फोर्स मिल जाती है आरपीएससी को, आरपीएससी संस्था बड़ी है, अगर उनको फोर्स मिल जाती है तो पेपर कंडक्ट करा देंगे, वो जेएलओ का पेपर भी कंडक्ट करा देंगे, और जेएलओ के पेपर में इतनी हेडक नहीं है क्योंकि 2 दिन का पेपर है, 2 दिन का पेपर है, दो एग्जाम एक दिन होंगे और सेकेंड दो एग्जाम अगले दिन होंगे, 4 एग्जाम होंगे, तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट और पेपर में कराने में बहुत हेडक होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर कराने में 15 से 17 दिन लगेंगे, तो पेपर पोस्टपोन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जहां तक है आपके पास न्यूज आ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पोस्टपोन होगा, वैसे अक्टूबर में दे रखा था, वो इलेक्शन के बाद शिफ्ट हो जाएगा। अब बात आती है आरएस पेपर भर्ती है अक्टूबर में ही है 1 तारीख को, बट इसकी भी न्यूज आ रही है, मैं आपको न्यूज पढ़ के बताता हूं। आरएस प्री और आईबीपीएस का पीओ का पेपर एक ही दिन हो रहा है, तो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी है आरपीएससी से कि इसका पेपर भी पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि एक दिन हुआ है, और इससे पहले जेएलओ का पेपर और एआईबी का पेपर भी एक दिन हो रहा था, तो जेएलओ का पेपर पोस्टपोन कर दिया था। 4-5 नवंबर को जेएलओ का पेपर होगा, अभी ऑफिशियल डेट यही है, 4 या 5 नवंबर ऑफिशियल डेट है जेएलओ की, अगर कोई और डेट है तो मुझे याद, जहां तक याद है यही है 4 या 5, कमेंट कर देना आप लोग। तो ये न्यूज आ रही है कि आरएस का पेपर भी पोस्टपोन हो सकता है, अगर पोस्टपोन होगा तो जेएलओ पे भी असर पड़ता है सारी चीजों पे, क्योंकि आरएस ज्यादा बड़ा पेपर है जेएलओ से, तो बहुत चीजें मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो में कहीं नहीं कह रहा कि पोस्टपोन होगा, कोई से पेपर पोस्टपोन होंगे, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ये सिचुएशन चल रही है, ये हो रहा है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, देखो 5 ऑप्शन आएंगे आपके पास, पहले 4 आते थे अब 5 आएंगे, 5 फिल करना है, अगर फिल नहीं करोगे तो आपकी
1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, वैसे नेगेटिव मार्किंग होगी जो रहती है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर 10% से ज्यादा आपने छोड़ दिया पेपर, मैंने आपको रूल्स बता दिए थे कि रूल्स अमेंड कर दिया आरपीएससी में, समझो पहले 4 ऑप्शन आते थे, अगर आप नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है तो छोड़ दो, जो क्वेश्चन नहीं आता तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं कटते थे, गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग कट जाती थी, आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी। बट अब 5वां ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब भरना पड़ेगा, अगर उसको फिल नहीं करते तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 10% से ज्यादा छोड़ दोगे पेपर खाली तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और 10 मिनट ज्यादा मिलेंगे आपको हर पेपर में। 2 घंटे का पेपर है तो 10 मिनट आपको गोले भरने के लिए दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ये गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए चीटिंग से बचने के लिए, बट आपको पता है स्टूडेंट को ही परेशान होता है, स्टूडेंट्स के लिए 10 मिनट भी बहुत, देखो यार टाइम पेपर छूटता है लोगों का बट स्टूडेंट ही सफर करता है सारी चीजों में, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अभी जेएलओ का पेपर देके आया हूँ इसका, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, उसमें बच्चों के साथ हैंकी नहीं ले जाने दिया, फुल बाजू की टी शर्ट पहन के शर्ट पहन के आए तो वो काट दी, हाफ कर दी, लड़कियों के साथ भी ये किया। ये रोडी मोडी होती है, मेरे लाल वाली थी, खाली आता तो मम्मी ने ये बांध दिया, खोले के हनुमान जी का धागा है तो वो भी काट दिया पेपर में। तो मैंने पूछा भी उन लोगों से, भैया इनसे क्या चीटिंग होगी, बट वो सुनते तो है नहीं, आप लोग जानते हो, तो इसलिए यही है सारी चीजें जो बच्चे ही सफर करते हैं, तो ये सारी चीजें चल रही है। फोर्स की प्रॉब्लम हुई तो जेल, मतलब फोर्स नहीं मिली तो आरपीएससी पेपर पोस्टपोन कर सकते हैं, नहीं तो आपके पेपर होंगे, जेलों का भी टाइम पे होगा और पेपर भी टाइम पे होगा। आरएस का पेपर किस लिए पोस्टपोन हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, अपना चैनल जो आरएस से रिलेटेड है नहीं तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का पेपर पोस्टपोन होगा, 99% चांसेस है होगा, वो इलेक्शन के बाद ही जाएगा। बट जेएलओ का पेपर जो पोस्टपोन होगा तो किस कारण से होगा, फोर्स से रिलेटेड, और मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं, इतनी फोर्स मिल जाएगी, बट जो होगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल से बने रहे, बस चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए मैं बताता हूँ, और मतलब सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं व्लॉग बनाता हूँ, जिससे मैंने जेलों का व्लॉग भी बनाया जो हाउसिंग बोर्ड का पेपर देके आया हूँ ना, वो भी आप देख सकते हैं जाके, कि मैंने बहुत प्रॉपर व्लॉग बनाया, अच्छा व्लॉग है, उसमें बताया उस पेपर के बारे में, तो उस व्लॉग को देखो जाके आप। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जेलों की क्या सैलरी है, जो अपने राजस्थान जेलों की क्या सैलरी है, सैलरी स्लिप के साथ, ऑफिशियल सैलरी स्लिप के साथ मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हो। सिविल जज की क्या सैलरी है, फैसिलिटी मिलती है, 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, सिविल जज से बात करिए तब जाके वो वीडियो बनाया, तो उन वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं चैनल पे, तो चैनल से जुड़े, ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा लॉ से रिलेटेड, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ लॉ से रिलेटेड, सिविल जज से रिलेटेड, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए ओपन है, आराम से मैसेज करें, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाय हेलो मत लिखा करो, कुछ बच्चे हाय हेलो लिखते हैं जिससे मुझे ही दिक्कत होती है, मैं रिप्लाई करूंगा हाय का, फिर आप वापस मैसेज भेजोगे, इसलिए क्वेश्चन लिख दो डायरेक्ट, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।